हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं सैमसंग E1200i मोबाइल, जिसमें प्रॉब्लम है दोस्तों, सिम डालने के बाद में इंसर्ट सिम लिख के आता है। अगर आपके पास इस प्रकार कोई सेट आता है दोस्तों, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या करना है, दिखाते हैं दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, इंसर्ट सिम, इस मोबाइल में सिम पड़ी हुई है मगर सिम आ नहीं रही है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल को ओपन करना है दोस्तों। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो पिन है, तीन पिन इधर और दोस्तों तीन पिन इधर, इन पे आपको चेक करना है वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, दिखाते हैं दोस्तों। पहली सिम होती है दोस्तों ये ग्राउंड, आपको मल्टीमीटर लेना है, बजट रेंज की रेंज में रखना है दोस्तों इसे। दूसरी होती है दोस्तों नॉट कनेक्टेड, इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। तीसरी, इसमें दोस्तों वैल्यू आ रही है, ये देखिए 430, और दोस्तों इसमें इसमें भी आ रही है 429, 429। ये पॉइंट देखिए दोस्तों, शॉर्टिंग है, इस वजह से ये सिम वर्क नहीं कर रही है। ये पॉइंट कौन से होते हैं दिखाते हैं दोस्तों, ग्राउंड, नॉट कनेक्टेड, सिम डाटा, क्लॉक सिग्नल, रीसेट और VSIM, ये वाली सिम पॉइंट है दोस्तों, ये शॉर्ट है। अब आपको क्या करना है, अगर दोस्तों ये और ये, इन पे अगर वैल्यू ना आए दोस्तों, तो भी आपको सॉल्यूशन कहाँ से लेके कहाँ तक जम्पर देना है दोस्तों, वो हम आपको बताएंगे। अगर इस पे आपको वैल्यू ना मिले दोस्तों, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जम्पर देना है, और इस पे अगर ना मिले वैल्यू, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जम्पर देना है। फिलहाल में ये शॉर्ट है दोस्तों, ये शॉर्टिंग कहाँ से आती है आपको बताते हैं, आपको क्या करना है। ये शॉर्टिंग दोस्तों दो कंपोनेंट से आती है ज़्यादातर, दिखाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट से आती है। पहला कंपोनेंट है दोस्तों, ये शॉर्ट दिखा रहा है दोस्तों, और दूसरा कंपोनेंट दोस्तों यहाँ लगा होता है ये वाला, ये भी शॉर्ट दिखा रहा है। कंपोनेंट दोस्तों दोनों शॉर्ट दिखा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, वारी वारी से ने रिमूव करना है। पहला कंपोनेंट दोस्तों रिमूव करते हैं, फिर देखते हैं समस्या का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो आईसी के पास में कंपोनेंट लगा है ये वाला, दिखाते हैं दोस्तों ये वाला कंपोनेंट रिमूव करना है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भी कंपोनेंट रिमूव कर दिया। अब देखते हैं इस समस्या का सॉल्यूशन हुआ है या नहीं। और ये देखिए दोस्तों, समस्या का सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपके पास दोस्तों इस वाले पिन में अगर वैल्यू नहीं आती है, तो आपको यहाँ से लेके जम्पर देना है दोस्तों यहाँ तक, या चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक जम्पर दे दो, इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों सिम डाल के इस समस्या का सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ।
अब आपको क्या करना है दोस्तों, जो कंपोनेंट निकाले हैं वो कंपोनेंट दूसरे मदरबोर्ड से निकाल के ठीक उसी में लगा देने हैं। दिखाते हैं दोस्तों अभी आपको। और ये देखिए दोस्तों, सिम सपोर्ट कर गई है, अभी दिखाते हैं आपको। अगर आपके पास इस प्रकार कोई सेट आता है दोस्तों, तो आप इस मेथड से इस समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।